वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटेड फोटोशॉप टिप ट्यूटोरियल माय फ्रेंड्स। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने आया हूँ कैमरा रॉ फिल्टर की एक ऐसी छोटी सी टिप, जिससे आप कैमरा रॉ फिल्टर के जितने भी स्लाइडर थे उन्हें जब चाहे, जैसे भी चाहे, जिस तरीके से भी चाहे चेंज कर सकते हैं या फिर कहूँ मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो हियर वी आर इन द फोटोशॉप, ठीक है। और चलिए हम सबसे पहले एक फाइल इंपोर्ट करते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे फाइल एक्सप्लोर पर जाएंगे और सिंपली इस फाइल को हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ठीक है। और PR2 को या फिर मतलब कि रॉ इमेज को हम जब भी इस पर इंपोर्ट करेंगे फोटोशॉप में, वो बाय डिफॉल्ट कैमरा रॉ फिल्टर डायलॉग बॉक्स में ओपन होगा, ठीक है। तो ये इमेज हमारा यहाँ पे ओपन है। हम चलिए जो भी कुछ इस पर चेंजेस अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज करेंगे, हाईलाइट को डिक्रीज, टेक्सचर थोड़ी क्लैरिटी, सैचुरेशन, ठीक है। नाउ यहाँ पे हमें 3 आइकॉन दिख रहे हैं, कैंसल, डन और ओपन। अगर हम यहाँ से इसे ओपन करेंगे, चले करते हैं, सिंपली क्लिक करेंगे ओपन, ठीक है। तो जब भी हम इसे ओपन करेंगे तो जो भी चेंजेस हमने कैमरा रॉ फिल्टर डिफॉल्ट में किया था, ठीक है, वो सेटिंग इस पर परमानेंटली अप्लाई हो जाएंगे या फिर कहूँ फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। ना ये चीज, ये हमारा इमेज यहाँ पे ओपन हो चुका है, ठीक है। बस अगर हम दोबारा उस सेटिंग्स को मॉडिफाई करना हो तो हम बिल्कुल भी वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो सारे सेटिंग्स इस पर परमानेंटली अप्लाई हो चुके हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि 100% कंट्रोल कैमरा रॉ फिल्टर के सारे स्लाइडर पर किस तरीके से लाया जा सकता है, ठीक है। तो वो अब मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सिंपली हम यहाँ से इसे क्लोज करेंगे, नहीं हमें बिल्कुल सेव नहीं करना, फाइल एक्सप्लोर ओपन करेंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हमारा सेटिंग को फिर से मॉडिफाई करेंगे, वाइब्रेशन, चलिए इस बार सेचुरेशन को इंक्रीज करते हैं और वाइब्रेंस को डिक्रीज करते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे जो हमें दिखाया है, ठीक है, ओपन, डन और कैंसल, ठीक है। ओपन जो यहाँ पे लिखा है, अगर हम शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये देखिए इसका रिनेम चेंज हो रहा है, ओपन ऑब्जेक्ट। अगर मैं मेरा हाथ उठा लूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन, और शिफ्ट प्रेस करूँ तो ओपन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमें करना है ओपन ऑब्जेक्ट। तो ओपन ऑब्जेक्ट कर अगर हम ओपन करेंगे, ठीक है, तो हमारा इमेज वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होके ओपन होगा, ठीक है। सी एज यू कैन सी यहाँ पे छोटा सा आइकॉन दिख रहा है, मतलब ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होके फोटोशॉप में इंपोर्ट हुआ, ठीक है। तो अगर अब हमें जो भी चेंजेस करने हैं, मतलब मैंने सैचुरेशन को इंक्रीज किया था, अब मुझे डिक्रीज करना है, तो हम सिंपली यहाँ से डबल क्लिक करेंगे, जो भी सेटिंग्स हमने अप्लाई की है वो 100% हमारे पास अभी इसका कंट्रोल है। यहाँ पे हम सैचुरेशन को डिक्रीज कर सकते हैं, क्लियरिटी को, जो भी हमें चाहिए वो यहाँ से हम जितने भी स्लाइडर्स को चाहें, तो ठीक है, कलर मिक्सर हम जब भी चाहे इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। और अगर हमें इसे रिसेट करना हो तो वी कैन डेफिनेटली डू इट बाय क्लिकिंग दिस 3-डॉट आइकॉन और रिसेट टू डिफॉल्ट एंड यू गुड टू गो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डिड मेक श्योर टू गिव अस अ लाइक, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड नॉट जस्ट सब्सक्राइब, प्रेस द बेल, ड्रॉप द बेल, हिट द बेल, रिंग द बेल, सो यू डोंट मिस एनी फीचर फ्रॉम द चैनल। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज कीप इन माइंड दैट इमेजिन एंड अप्लाई।